कचरे में डाल दिया? नहीं नहीं दिया, चेक कर लो आपने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी ब्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो, सही है? तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, आज मुझे फीलिंग बहुत बेटर है और परसों से। तो अब यह है कि बुखार मुझे कल रात में फिर चढ़ गया था, लेकिन फिर मैंने पैनाडोल एक्स्ट्रा खाई तो उससे मेरा बुखार उतर गया, माशाल्लाह। सही है। तो अभी अम्मी और मैं अभी गए थे बाहर, तो मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, लेकिन वो मैं एंड में दिखाऊंगा। पहले मैं अम्मी को एक स्पेशल फूड बना के खिलाने वाला हूँ। मैंने दरअसल कल मुझे रात में बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो वो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने छोड़ो यार वीडियो, बार बार इसकी वीडियो कौन बनाता है। और फिर थका हुआ भी था, बुखार भी था, तो मैंने चलो छोड़ो अभी वीडियो नहीं बनाना। तो फिर अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो मैंने चलो वीडियो बना लेते हैं। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। तो मैं अम्मी के लिए खास तौर पे, मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन मैं अम्मी के लिए बना रहा हूँ खास तौर पे, बहुत मज़े का बना रहा हूँ। सही है। तो बहुत मज़े का सैंडविच है वो, सही है। तो आप लोग भी घर में वो ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, सही है। हेलो अम्मी, कैसी हैं? बाय बाय। हेलो, बाय बाय। सो खैर, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, सही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ओके? मैं कैसा लग रहा हूँ? अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे खरगोश कैसे दाद है। हेलो, आई एम द रैबिट, मॉम आई एम योर रैबिट। चलो भैया, अब हम जा रहे हैं बनाने। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सही है। पहले मैं निकाल के रख देता हूँ सारी चीज़ें, फिर एक साथ दिखाता हूँ, ओके? सो गाइस, चीज़ें देखो आ गई हैं। शिमला मिर्च भी आ गई है, क्रीम भी आ गई है, ऑलिव भी आ गए हैं, जलपिनो जलपिनो भी आ गया है, बारबेक्यू सॉस भी आ गया है, पिज़्ज़ा सॉस भी आ गया है, और ये छोटी सी क्या कहते हैं इसे, चीज़ भी आ गई है। आपको लग रहा होगा कि अम्मी इतना सब कैसे खाएंगी, अम्मी ये सब नहीं खाएंगी, अम्मी तो थोड़ा सा ही चखेंगी, थोड़ा सा ही खाएंगी, बाकी तो सामान मेरा होगा, वो आधी रात को मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। तो लेकिन अम्मी ने मुझे बोला कि तुम इतनी तारीफ़ कर रहे हो उस खाने की, तो मुझे बना के दो, तो मैं जब ही ये बना रहा हूँ, ओके? तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, चुटकी नहीं बजी, रुको। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। Yes! That's awesome! So guys, हमें चाहिए होगी डबल रोटी। हम डबल रोटी को खोल देते हैं जल्दी जल्दी, बहुत मज़े का बनने वाला ही है। असल में अम्मी बाहर से आई हैं, तो अम्मी को लग रही है ठीक ठाक भूख, तो मैंने कहा अम्मी चलो मैं आपको बेहतरीन सा खाना बना के खिलाता हूँ, जो जिसकी तारीफ मैंने सुबह करी थी, सही है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमने इसमें लगाना है पिज़्ज़ा सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें पिज़्ज़ा सॉस लग गया इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे बारबेक्यू सॉस, ओके? ये बारबेक्यू सॉस भी इसमें लग गया है, बहुत मज़े की चीज़ बनने वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा, सही है। अब हम इसमें लगाएंगे क्रीम, ओह ऊपर से भी निकल रही है, सही है गाइस। ये आप लोग घर में भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना है, सही है। ये लग गई इसमें क्रीम। अब इसमें हम डालेंगे अल्पिनो जलपिनो, थोड़े थोड़े काट काट के ऐसे तोड़ तोड़ के डाल देंगे, बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये और अम्मी को भी बहुत पसंद है ये। तो थोड़े से ये डाल दिया, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑलिव्स। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों को खिला नहीं सकता हूं मैं ना, सही में मसला सारा ये है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी ने इतना वो नहीं किया है ना, क्या कहते हैं, तरक्की नहीं करी है, सही है। ये देखें गाइस, ऑरेंज शिमला मिर्च है, ऑरेंज, सही है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग हम ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो गाइस ये जितना भी सामान है अभी इसमें सिर्फ इसका काम है, बाकी और किसी चीज़ का काम नहीं है, सही ये सब चला जाएगा। बस थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस हम और ले लेते हैं,
थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बस, सही है। बाकी अभी इन चीजों का कोई काम नहीं है सिवाय चीज हमारे काम की है। अच्छा सो गाइस अब हमने ये करना है कि हमने ये रहा मलाई बोटी मसाला मेहरान वालों का, सही है। और अभी गोश्त कहाँ रखा है मैंने? वो मैंने फ्रीजर में रख दिया था बेटा। या अल्लाह क्या करूँ मैं, तो सड़ जाता बाहर होता तो। अरे अभी निकाला है, अभी मैंने नहीं रखा कहीं, कहाँ गया मुझे क्या पता। कचरे में डाल दिया? असंभव असंभव, नहीं नहीं दिया, चेक कर लो आपने। नहीं मुझे नहीं पता, अस्तगफुरुल्लाह अंदर रखा होगा। अस्तगफुरुल्लाह कचरे में डाल दिया? नहीं नहीं कचरे में नहीं डाला। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, लग तो रहा है मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पुराना है, सब गिरा रही हो तुम। चलो रखो, अरे ये अभी थैली में रखूंगी। कहां चला गया भाई? मैं निकाल रही हूं। अरे ये रखा, 200 रुपए का लेकर आया हूं इतनी मेहनत से मैं साइकिल पे जाके। इसको इसको गलाएं जरा। तो गाइस गोश में थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। A few moments later. So guys, हमें मुर्गी इतनी सी चाहिए थी, बिल्कुल बल्कि ये भी ज़्यादा है, बचती बहुत है। ये हम ये वापस रख दें। So guys देखें, ये इतनी मुर्गी चाहिए मुझे बस, हाँ बस ये थोड़ी सी, सही है। अब इसमें करूँगा क्या मैं, इसमें मैंने करना ये है कि इसमें मैंने ये मसाला डालना है, सही है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सही है। जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ना ऐसे मिक्स करना है। थोड़ा सा और डालेगा मसाला, सही है। सो गाइस ये हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया और मुर्गी इसमें हमने डाल दी है, सही है, मसाले वाली, सही गाइस ऐसे। अब हमने जो शिमला मिर्च और ये सब काटा था ना, इसको इसको भी हमने इसमें रख देना है, सही है। अभी नहीं डालेंगे, ये जब पूरी बन जाएगी ना उसके बाद थोड़ा सा गलाने के लिए इसको डालेंगे, सही है। तो अभी हम इसको ऐसे से कर देते हैं, तो कितने मज़ेदार लग रही है ना। इसमें हमें थोड़ी सी क्रीम डाल देनी क्योंकि ये मलाई बोटी है, इसमें हम थोड़ी सी धीमी आँच कर देंगे थोड़ा सा। ओए होए होए होए, मैं खुशबू नहीं बता सकता आपको कितने मज़े की आ रही है। हाँ हम इसको रख दें। तो गाइस इसको हमने धीमी आंच पे कर दिया, सही है। और गाइस एक बैड न्यूज़ है, अम्मी को बुखार फील हो रहा है, तो अम्मी को मुझे लग रहा है बुखार आ गया, थक गई है बेचारी। तो गाइस अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन ढाक देते हैं और 5 मिनट्स के बाद इसको वॉच करेंगे, ओके। 5 मिनट्स लेटर। सो गाइस 5 मिनट्स हो गए हैं और मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी थी जो कि मैंने कैमरे में नहीं दिखाई, तो माशाल्लाह ये गल गया, थोड़ा सा और गलेगा। चूल्हा बंद है क्या? हाँ चूल्हा ही बंद था। अबे साले। सो गाइस 5 मिनट मेरे वेस्ट गए। नहीं अम्मी सही है, थोड़ा सा हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा। चूल्हा जल गया, सही है। अब इसको हम वापस ढक देते हैं, फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट्स लेटर। सो गाइस 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब देखते हैं। अब गल गई है, बोटी छोटी हो गई वैसे, सही है गाइस। अब हम इसको निकाल लेते हैं और सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें ये स्लाइस, या हमें स्लाइस खोल के चीज़ का इसके ऊपर रख देना है। देखो ये ऐसे टुकड़ों में डालना है, सही है। सही गाइस, ओए होए 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 होए। सो गाइस देख रहे हैं कितने मजे का लग रहा है ये, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं खिला सकता भाई, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा बस। अरे नीचे चले गए, ओह गर्म हो रहा है।
आप लोग बस माशाल्लाह जरूर कहा करें, माशाल्लाह। ओके सो गाइस देखो ये हो गया, अब इस पे हमने रख देना है ये, सही है। अब इसको हम रख देंगे वापस इसी पे, लेकिन इससे पहले हम जलाएंगे चूल्हा। गाइस अब हमें इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है, सही है। अब ये भी पहले से गर्म है, सही है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, सही है, जितना गर्म कर सकते ताकि अंदर जो चीज़ वगैरह और भी चीज़ें हैं वो सब सही से मेल्ट हो जाएं। थोड़ी हम धीमी आँच कर देंगे ताकि जले ना, वैसे कड़क तो होगा ही, कड़क ही खाया जाता है। थोड़ा सा ना इसको मतलब थोड़ा सा हम कड़क करेंगे, मतलब थोड़ा सा जलने देंगे, थोड़ा सा। सो गाइस बहुत मज़े का बनने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ दिखने को मिलने वाली है। और गाइस ये पूरा अम्मी तो नहीं खाएंगी, जब भी मैंने अपने लिए अलग से नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है अम्मी ये पूरा नहीं खाएंगी, सही है। तो अम्मी तो चखेंगी सिर्फ, लेकिन अम्मी ने एक फरमाइश जाहिर करी थी कि भाई तुम इतनी तारीफ़ कर रहे थे तो हमें यही बना के खिला दो, और तो हम बना रहे हैं। A few moments later. So guys, माशाल्लाह ये हमारा हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया ये, और सारी चीज़ें अंदर गल गई हैं बिल्कुल, मतलब मेल्ट हो गई हैं, बहुत अच्छी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। वैसे ये है भी पिज़्ज़ा सैंडविच, सही है, बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। कल ही मैंने ट्राई किया था, बहुत मज़े का था, आज मैं अम्मी को ट्राई करवाऊँगा, सही है। सो गाइस ये आ गया नीचे, अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, वाह भाई वाह, बहुत मजे का लग रहा है, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी है। हाँ। जो भी ला रही हो दो लाना। सो गाइस माशाल्लाह हमारे मिनी सैंडविच तैयार हैं, पिज़्ज़ा सैंडविच है ये, और बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, सही है। अब ये देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये आप घर में बनाएं, आपको ना टेस्ट मिले तो आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब मत करिएगा बस। तो गाइस अब अम्मी की हम शक्ल दिखाते हैं, अम्मी बेचारी को बुखार आ गया, थकान और अम्मी आपको तो तेज़ बुखार है यार, चलो खाओ आप, खा के फिर दवाई खाना। रुकें एक मिनट, मेरा कैमरा धुंधला हो रहा है। ओए होए होए, अब तस्वीर निकल कर आई हो मेरी खूबसूरत अम्मी। अम्मी ज़रा चक्के बताएं जल्दी से, शाबाश। कैसे मिनी मिनी पिज़्ज़ा सैंडविच बेइंतहा मज़े का है, बेइंतहा मज़े का। कितने मार्क्स देंगी इसमें? 100 में से 110। ओह माय गॉड, 110 अच्छा वाह भाई। तो गाइस बहुत मज़े का बना है, आप लोगों ने खाना है, आप लोग को तो भूख लगाई होगी, आप लोग को तो मतलब रहा ही नहीं जा रहा होगा आप लोगों से, है ना। साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। ओए होए होए होए, देखो तो कितने मज़े का यार। और ये अम्मी का, अम्मी पेट भर के खाए ये ना, क्योंकि मैं मुझे भूख नहीं है दरअसल, मैं बस थोड़ा खाऊंगी। अरे खा लो गाइस, अम्मी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो हम भी थोड़ा सा चख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कल रात से भी ज्यादा मजे का बना है। वाह वाह सैंडविच वाह। बस ये तो बड़ी खुशी है कि बहुत मज़े के सैंडविच बना है। वाह उमेर वाह, बहुत मज़े का सैंडविच बना है। बस एक चीज़ का अफसोस है कि आपको बुखार आ गया, मैं सही हुआ तो अम्मी थोड़ा सा डाउन हो गई। तो गाइस कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी बना है अम्मी। बाकी मैं कल जो अब मैं तारीफ कर रहा था ना, आज का कुछ ज़्यादा ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, खाओ। मतलब यार कितने मज़े का बना है यार, माशाल्लाह। यही बना लिया वरना पिज़्ज़ा बिलत की मेहनत करता। अब सोचो ज़रा क्या आपका बच्चा कितना बड़ा शेफ बन गया है। हाँ, तो शेफ बन जाओ ना। हाँ। कुछ भी तो अब इससे ना लगाओ, ये मैंने सीखा नहीं है, ये मैंने अपनी सोच से बनाया। रात में मुझे भगी बोल रहा रात में लगी मुझे भूख, मैं बस किचन में चला गया, और अच्छा। गैस तो थी नहीं, तो अपने सिलेंडर है अच्छा। तो बस वो उससे मैंने बना लिया। तो तुम तो शेफ बन गए हो भाई। है ना, देखो कितने मजे की रेसिपी बनाई, पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा सैंडविच। ओ भाई ट्राई जरूर करना घर में। ओके ओके।
बहुत मज़े का मिनी पिज़्ज़ा सैंडविच बनाया था मैंने और अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अब मैं अम्मी को पैनाडोल खिलाने जा रहा हूँ, कल आखिरी मेरी खाई हुई है, मैंने नहीं ली थी ये ना टैबलेट्स। तो अब ये है गाइस के अब जो मैं सामान मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं सामान आपको एंड में दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा, सही है, तो इतनी बड़ी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, सही है, तो वो मैं आपको कल अलग से दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। ओके, अब मैं अम्मी को ये खिलाने जा रहा हूँ पैनाडोल। हेलो जन्नत फिरदौस, क्या हाल है, बुखार में कैसी कैसा लगता है बुखार में? तुमको लग रहा है ये लो, ये लो शाबाश, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, पानी पीछे रखा हुआ है लड़के, नहीं रखा, चलो मैं पानी लेकर आता हूँ। सो गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे जैसे आप अपने अपनों को दुआओं में याद रखते हैं, मुझे भी अपना समझ के अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को याद रखिएगा, सही है, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सही है। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने आज बनाया था ना उसको घर में ज़रूर ट्राई करना, फिर आप लोग बोलोगे हमें यही दिया करो शाम के खाने में, शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में हमें यही दिया करो, सही है, अल्लाह हाफिज़।